और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी के 8 शहरों में फिर हिंसा वाला जुमा। नमाज के बाद प्रयागराज, सहारनपुर में पथराव, मुरादाबाद में प्रदर्शन। हिंसा में अब तक 227 गिरफ्तार, पुलिस और प्रशासन मुस्तैद। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह का गोरखपुर दौरा। आईटीएमएस नगर निगम का किया निरीक्षण। हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन। महाराजगंज के भवानीपुर में पनियारा पुलिस पर गिरी गाज। थानाध्यक्ष सहित 3 अन्य पुलिसकर्मी निलंबित। जमीनी विवाद के चलते मौत के मामले में कार्रवाई। जौनपुर में बारातियों से भरी जीप दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 17 लोग घायल। सभी घायलों का इलाज जारी। वाराणसी में धर्म परिषद की बैठक। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की घटनाओं पर हुआ मंथन। पीठाधीश्वर महंत बालकदास महाराज ने की अध्यक्षता। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर दौरे पर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह ने कई जगहों पर निरीक्षण किया। इस दौरान आरटीएमएस नगर निगम में पहुंचकर उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी भी ली। और वहीं जुमे की नमाज पर कई जिलों में हुए बवाल के मामले को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियां करते हैं तो उन पर कानून अपना काम करता है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। सबसे अच्छा ही बात है कि यहाँ कानून का राज है। किसी प्रकार का मान लीजिए कुछ लोग ऐसी गड़बड़ियां करते हैं तो कानून अपना काम करता है। लेकिन 25 करोड़ की आबादी में हिंदू और मुसलमान, मुस्लिम भी सभी, उन सभी की मंशा है भाई। देखिए सरकार की योजना सभी के पास पहुँच रही है, कोई भेदभाव नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, कोई भेदभाव नहीं। और दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं, गरीबों को विकास करना चाहते हैं, राज्य की खुशहाली चाहते हैं, वह भी राज्य की खुशहाली हम भी चाहते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व होता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के ठीक 7 दिन बाद यूपी के 8 जिलों में बवाल हुआ। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई। नमाजी पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी से नाराज थे। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़ और जालौन में नमाजी सड़क पर उतर आए। इस बीच जहां पुलिस प्रशासन ने 2 दिनों से अलर्ट था, वहीं एन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां फेल हो गई। सबसे ज्यादा बवाल प्रयागराज में हुआ, जहां अर्धसैनिक बलों में भी कुछ घायल हुए हैं। इसी तरह देवबंद में अल्लाहू अकबर के नारे लगे। हालांकि कानपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से सब कुछ कंट्रोल में रहा। ऐसे में अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रयागराज में सबसे ज्यादा 68 गिरफ्तारियां हुई है। यूपी में उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के बाद स्वरूप नगर में उपद्रवियों के घर पर कार्रवाई हुई है और इसी दौरान हयात जफर के साथी की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया गया। और वहीं प्रशासन की कार्रवाई से आसपास के लोगों में हड़कंप मचा है। हिंसा की खबरों के बीच यूपी के वाराणसी में धर्म परिषद की बैठक आयोजित की गई। सुदामा कुटी विश्वेश्वरगंज में साधु संतों की यह बैठक आयोजित हुई। बैठक में जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। पीठाधीश्वर महंत बालकदास महाराज की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इसी दौरान हिंदू धर्म के बड़े संत और धर्माचार्य मौजूद रहे। बैठक में मांग की गई कि हिंसा करने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी नमाजियों की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही जिस मस्जिद में पथराव हो रहा है उस पर पुनः तालाबंदी की जाए। देखिए काशी धर्म परिषद धर्म के मसले पर विचार विमर्श करती है और फैसला लेती है।
अभी जो अचानक शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से पूरे देश में हिंसा फैल गई, देश को जलाने का प्रयास किया गया, रांची में हनुमान जी के मंदिर में तोड़फोड़ की गई, पाकिस्तान में मंदिरों पर हमला हुआ, तो जो सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और सनातन धर्म के मंदिरों पर और सनातन के प्रतीकों पर जिस तरह से हमला हो रहा है, उससे संत समाज बहुत चिंतित है। और संत समाज काशी धर्म परिषद के माध्यम से निंदा प्रस्ताव पारित किया है जो शुक्रवार को हिंसा हुई। साथ ही अब ये पूछा जाने लगा है कि आखिर जुम्मे के नमाज के बाद ही हिंसा क्यों, और नमाजी क्या उपद्रवी होते हैं, क्या नमाजियों को पत्थर फेंकना की ट्रेनिंग दी जाती है मस्जिदों में, और जिन जिन मस्जिदों से नमाज के बाद हिंसा हुई है उन मस्जिदों पर पूर्णतः तालाबंदी कर दी जाए, उनके मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मूल मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से अराजकता फैलाई जा रही है और अशांत प्रदेश को करने की कोशिश की जा रही है नूपुर शर्मा के बहाने, तो यह संत समाज चिंतित रहा, और देश जब जब अशांत की ओर बढ़ता है तो संत समाज चिंतित होता है। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज़ पढ़ करके और बाहर निकलते हैं और तिरंगा पत्थर चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं से उस नमाज में क्या पढ़ाया जा रहा है मौलवी द्वारा, इस पर जो है प्रशासन तत्काल ध्यान रखे और उस जुम्मे की नमाज को पहले तो तत्काल बंद कर देना चाहिए जिससे देश अशांत हो रहा हो। और जिस प्रकार से लोग बैठ करके टीवी चैनलों पर अंड का बंड बक रहे हैं, हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं होगा कि देश अशांत हो जाएगा और हम समाज को भी सड़क उतरना पड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं शांतिपूर्वक इन आताताइयों को गिरफ्तार किया जाए, और जो हमारे भगवान पर टिप्पणी कर रहा है, हम किसी के इष्टदेव का अपमान नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए हम अपने इष्टदेव का भी अपमान नहीं सहन कर सकते। अगली खबर की ओर। महाराजगंज के भवानीपुर गांव में जमीनी विवाद के चलते दो पट्टेदार पक्षों के बीच मारपीट हुई। मामले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पनियारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार की तहरीर पर सदर सीईओ अजय सिंह चौहान ने जांच शुरू की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने पनियारा थाना अध्यक्ष सहित तीन अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जनपद महाराजगंज थाना पनेरा अंतर्गत भवानीपुर गांव में दो पट्टेदार पक्ष विजय सिंह और संतोष सिंह के बीच में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर और बाउंड्री चलाने के विवाद को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसमें विजय सिंह, अजीत सिंह और पृथ्वी सिंह द्वारा संतोष सिंह के साथ विवाद किया गया। इस विवाद में संतोष सिंह की मौके पर मृत्यु हुई है। पुलिस द्वारा संतोष सिंह के शव को लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है तथा इसमें धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए मुख्य अभियुक्त विजय सिंह को अपने गिरफ्त में लिया गया है तथा अजीत सिंह एवं पृथ्वी सिंह की गिरफ्तारी हेतु टीमों को लगाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वादी पक्ष द्वारा इसमें थाने पर सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया था और इस आरोप को प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकारी सदर की जाँच में सत्य पाते हुए थानाध्यक्ष, एक उपनिरीक्षक तथा दो आरक्षियों को निलंबित भी किया गया है और इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। यूपी के जौनपुर में बारातियों से भरी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 17 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें मिला जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक बारातियों से भरी जीप से जौनपुर वापस आ रही थी, तभी मई चौराया हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। यूपी में योगी सरकार भले ही महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन बदायूं में महिला सुरक्षा के दावे अब खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उदयती थाना क्षेत्र का है, जहां किशोरी के साथ तमंचे की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दरअसल किशोरी शौच करने गई थी, तभी घात लगाकर बैठे आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास किया। इधर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के बस्ती स्थित हरैया थाना परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल और सीईओ शेषमणि उपाध्याय ने दूरदराज में आए लोगों की फरियाद सुनी। थाना समाधान दिवस आए लोगों ने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया, जिस पर अधिकारियों ने समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह, कन्हैया पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। अभी पूरी संख्या तो नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि ये भी समाधान दिवस चल रहा है, 2 बजे तक लगातार चलेगा। फिलहाल काफ़ी संख्या में फरियादी आए हैं और जो मजिस्ट्रेट मैडम और बैंक
और हमारे साथ पुलिस टीम और राजस्व टीम सभी मौजूद थी। और जितनी भी जो समस्याएं हैं जिनका निस्तारण संभव है हम लोगों के स्तर से उनका निस्तारण कराया जा रहा है। किन तरह की समस्याएं का समस्याएं आई हैं? ये हरैया थाने से रिलेटेड ही समस्याएं आपको ज़्यादातर किस मामले कैसे मामले आए? ज़्यादातर मामले जमीनी विवाद के संबंधित हैं और उसमें हम लोग अपनी टीम राजस्व टीम और पुलिस टीम मौके पर भेज कर और उसका यथासंभव निस्तारण कराएंगे। ये मामला खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है जहां निघासन के करबला मैदान में 6 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रकेहटी 11 बनाम सदर 11 के बीच खेला गया। इस फाइनल मैच में रकेहटी 11 की टीम ने विजेता खिताब अपने नाम किया, वहीं सदर 11 निघासन उपविजेता रही। आयोजक समाजसेवी सीए अंशुल दीक्षित ने विजेता टीम को सम्मानित किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।